नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बुक रिव्यू जो कि होने वाला है CDS Pathfinder पर, जो कि है अरिहंत पब्लिकेशन की। इससे पहले भी मैं CDS Pathfinder का बुक रिव्यू आपके लिए लेके आया था जिस पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन वो जो बुक रिव्यू था वो था इंग्लिश का वर्ज़न था। बट अभी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है हिंदी वर्ज़न की बुक का। तो इस बुक में सारा आपको सिलेबस जो है हिंदी में मिलेगा, और जो स्टूडेंट उससे अच्छे से समझ नहीं पाए थे उन्हें इस बुक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये बुक रिव्यू केवल और केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर उस बुक रिव्यू से बहुत सारी चीज़ें अगर उन्हें समझ नहीं आई होंगी तो वो इस बुक रिव्यू से आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस बुक रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है CDS Pathfinder जो कि है अरिहंत पब्लिकेशन की, और ये इसका देखिए आप, ये इसका लेटेस्ट एडिशन है 2020-2021 का। ये लेटेस्ट एडिशन है अभी जो मार्केट में और ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा आप देखिए इसका ये जो है ये आउटर ओवरव्यू दे रखा है कि इसमें क्या कैसा इसका फ्रंट ओवरव्यू है। ये देखिए मैं आपको इस बुक के डायमेंशन दिखाता हूँ। ये इसकी विड्थ है और इतनी मोटी ये बुक है। ये देखिए इसके बैक में क्या क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए CDS को इंग्लिश में कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और इसमें इसको कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा। तो देखिए ये इसमें इसके बारे में कुछ बताया गया है कि सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा UPSC द्वारा भारतीय सुरक्षा बल, भारतीय सेना, भारतीय जल सेना तथा भारतीय वायुसेना में अफसरों की नियुक्ति के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। तो अगर आपको बता दूं कि CDS का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 बार कंडक्ट होता है। जैसे अभी आपको पता होगा कि नवंबर को लास्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, सेकंड जो 2020 का सेकंड पार्ट था, और अभी जो इसका अगला एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 7 फरवरी को 2021 का। वो जो होगा वो फर्स्ट होगा उस 2021 का एग्ज़ाम। तो उस चीज़ के लिए ये है आपका बुक रिव्यू जिससे आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो अगर इसकी कॉस्ट के बारे में आपको बताऊं, जो मार्केट कॉस्ट है इसकी वो है 785 रुपीज़, और यही इसी के आसपास की जो कॉस्ट है वो है इंग्लिश वाली बुक के एडिशन की भी। और ये देखिए यहाँ पर कुछ इसके बारे में बताया गया है कि CDS की अन्य श्रृंखला की अन्य पुस्तकें, यानी कि जो और बुक्स हैं जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है वो और कौन कौन सी बुक्स हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी बुक है। पहली बुक है Pathfinder सेल्फ स्टडी गाइड फॉर CDS एग्जाम। सेकंड है 10 प्रैक्टिस सेट CDS एग्जाम। उसके बाद अगली बुक है वो है SSB इंटरव्यूज के ऊपर बेस्ड। उसके बाद अगला देखूं तो वो है Pathfinder सेल्फ स्टडी गाइड फॉर CDS, और उसके बाद है CDS अध्यायवार व खंडवार सॉल्व पेपर, जिसमें आपको बहुत सारे सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। और अगला लास्ट है वो है 10 प्रैक्टिस सेट CDS परीक्षा के लिए, कि अगर आप इस बुक से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका एक आउटर ओवरव्यू। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके अंदर क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है आप लोगों के लिए, और वो आपके लिए किस तरीके से बेनिफिट देने वाला है, और इस बुक रिव्यू के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए इसको अंदर से देखते हैं। तो ये है Pathfinder CDS सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, जिसमें कि आपको इसके बुक का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 8000 से ज़्यादा जो है वो MCQs हैं, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके बाद अगर अंदर देखें तो यही तो इसके बारे में कुछ, इसके पब्लिकेशन प्रकाशन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। उसके बाद देखिए ये है विषय सूची, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट लिस्ट इसकी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे हिंदी में विषय सूची कहा जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो है आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं, हल प्रश्न पत्र। तो इसमें देखिए आपको मिल जाएगा 2019 का, 2018 का और 2017 के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस बुक की। क्योंकि अगर आप एक बार इस बुक से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करने में आसानी होगी। उसके बाद देखिए गणित में आपको मैं बता दूं कि क्या क्या इसमें है। संख्या पद्धति है, अनुक्रम एवं श्रेणी है। उसके बाद अगला चैप्टर है संख्याओं का लस तथा मस, जिसे इंग्लिश में LCM और SCF कहा जाता है। उसके बाद दशमलव भिन्न है यानी डेसिमल फ्रैक्शन, वर्गमूल एवं घनमूल है यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। उसके बाद समय दूरी और चाल है, जिसे टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस कहा जाता है। उसके बाद समय एवं कार्य है यानी टाइम एंड वर्क। उसके बाद प्रतिशतता यानी जिसे परसेंटेज कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपको इंग्लिश वाले उसमें ये किस नाम से मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और हिंदी वाले, मतलब अगर इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी वाला देख लेते हैं,
मतलब ये बुक रिव्यू समझ लेते हैं कि कौन से चैप्टर से क्या क्या उसके जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग क्या क्या होता है, और इंग्लिश वाले अगर ये समझ जाएं कि हिंदी के जो वर्ड्स हैं उन्हें इंग्लिश में क्या क्या आ जाता है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में आता है, और अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में, मना आपने हिंदी से दिया पेपर और आपको कोई जो वर्ड है वो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस वर्ड को इंग्लिश में इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप आसानी से वहाँ पर उस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अनुमान लगा के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसा ही जो होगा वो इंग्लिश के केस में भी होगा। अगर हिंदी में आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, तो आप हिंदी में देख के आसानी से अनुमान लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद है, देखिए, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और अनुपात तथा समानुपात है, जिसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। उसके बाद लघु गणक है, उसके बाद मौलिक संक्रियाएं एवं गुणनखंड है, बहुपदों का मौसौ व लौसौ है, रैखिक समीकरण, एक चर एवं द्विचर, उसके बाद द्विघात समीकरण एवं असमिका, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। उसके बाद समुच्चय सिद्धांत है, उसके बाद कोणों का मापन है, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्व समीकाएं हैं, उसके बाद ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंसेस, उसके बाद रेखी रेखा तथा कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स, उसके बाद त्रिभुज है जिसे ट्रायंगल कहा जाता है, उसके बाद चतुर्भुज एवं बहुभुज है, उसके बाद वृत्त है, अगला है क्षेत्रफल एवं परिमाप, जिसे एरिया है, एरिया वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, उसके बाद है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बाद है सांख्यिकी, जिसे स्टैटिस्टिक्स के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये 28 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं इस बुक के अंदर, जिसमें आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा। अगर आप हिंदी में देते हैं तो भी आपके लिए 28 ही हैं, और अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो भी 28 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं। तो ये बुक रिव्यू देने का एक सिंपल सा रीज़न ये है कि इंग्लिश वाले बच्चे भी ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी लैंग्वेज किस तरीके से, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे अगर आपको वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें अगर दे रखा है कि इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी दूरी इतनी है, तो इस तरीके से आप वर्ड्स को समझ सकेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे वर्ड से। और मेन चीज़ है क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन सिंपल दिया होगा, बस उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, और अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो यकीन मानिए आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से करना है। उसके बाद देखिए, जनरल इंग्लिश में आपके आते हैं स्पॉटिंग एरर्स, वोकेबलरी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और लास्ट है नाइन्थ, कॉम्प्रीहेंशन। तो नाइन्थ आपके इसके चैप्टर इंक्लूडेड हैं, और इंग्लिश जो है वो दोनों में, इंग्लिश में मतलब जो इंग्लिश एडिशन थी उसमें भी सेम है, और इस वाले में भी सेम ही है। उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान बताऊं तो सामान्य ज्ञान में जो आता है आपका वो होता है भौतिक विज्ञान, उसके बाद आता है रसायन विज्ञान, उसके बाद आता है जीव विज्ञान। तो ये जो है इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, इसमें अगर आप कंटेंट देखेंगे तो बहुत इजी कंटेंट है, मतलब जो जनरल हम लोग 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो कंटेंट इसमें अवेलेबल होगा, तो आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में। तो आप इस हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बुक रिव्यू जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद जो लास्ट है वो है सामान्य अध्ययन यानी जिसे जीएस के नाम से भी आप जानते हैं, और जीएस का जो कंटेंट है वो ये है कि इतिहास आता है इसमें, जिसे हिस्ट्री कहते हैं, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, और सामान्य ज्ञान। यानी इसका जो कंटेंट है वो, अगर इंग्लिश में आपको मैं बताऊँ तो वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, उसके बाद है इकोनॉमी, और लास्ट में है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान जिसे आप कहते हैं। तो ये है इसका एक ओवरऑल कंटेंट रिव्यू जो मैंने आपको दिया। उसके बाद इसमें अगर आपको बताऊं मैं तो हिंदी, जैसे अभी मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ओटीए के लिए हम लोग क्या करें, ओटीए में क्या किस तरीके का आता है, ओटीए में क्या क्या कंटेंट आता है, तो बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, ओटीए के लिए भी ये बुक जो है वो पर्याप्त है, यानी सफिशियंट है ये बुक। आप अगर ओटीए के लिए पढ़ते हैं तो इससे, जैसे आपने साइंस पढ़ ली, इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ ली और बायोलॉजी पढ़ ली, और उसके बाद आपने जीएस इससे कंप्लीट कर ली, और इंग्लिश भी अगर आपने इससे पढ़ ली, तो आपके तो होते हैं दो ही पेपर यानी इंग्लिश और जीएस, तो आप लोग आसानी से उन दोनों पेपर को इस बुक को पढ़ के भी क्रैक कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बुक्स को, मतलब जैसे आपने आरएस अग्रवाल भी पढ़नी है, आपने और कोई दूसरी बुक भी पढ़नी है, लूसेंट पढ़नी है, तो वो बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी बुक्स पे आप ना जाएं, एक सिंपल ये बुक पढ़ें,
और अगर आपको एडवांस ही जाना है यानी और बुक्स मतलब पढ़नी है तो मैंने एक बुक रिव्यू इसमें डाल रखा है, वो है चैनल पे अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक बुक रिव्यू मिल जाएगा जो कि है क्राउन पब्लिकेशन की बुक का। और क्राउन यकीन मानिए क्राउन पब्लिकेशन की बुक जो है वो आप लोगों के लिए 100% यूज़फुल होगी होगी, क्योंकि वो बुक ऐसी है जिसका जो कंटेंट है वो एकदम नोट वाइज है, मतलब नोट्स बनाए हुए हैं उसमें, आपको क्या करना है बस पढ़ना है। तो उस वो बुक जो है क्राउन पब्लिकेशन की बुक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और वो आपको कहीं पर से भी अवेलेबल हो सकती है, यानी आप लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो उसके बाद आगे आपको ले जाऊं तो ये देखिए, ये तो पहले है सॉल्ट पेपर इसमें दे रखा है, सारा हिंदी में है। उसके बाद आपको ले चलता हूं मैं इसका जो चैप्टर है कि चैप्टर इसमें कैसे दे रखा है। तो ये देखिए, ये आया आपका गणित कि इसमें क्या क्या है, और गणित में देखिए ये आपको दे रखा है ट्रेंड एनालिसिस की एनालिसिस किस तरीके का है कि कितने क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, और 28 चैप्टर्स आपको इसमें दे रखे हैं और बताया गया है कि कितने क्वेश्चन किस मतलब यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए पहला चैप्टर है इसमें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो इसमें आपको एकदम से सारी चीज़ें दी गई हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है, संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद अलग अलग तरीके से इसमें आपको सब चीज़ अवेलेबल की गई है कि जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं यानी जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए आपको इंग्लिश में भी बता रखा है कि इसको किसको किस चीज़ को क्या कहते हैं, जैसे अभाज्य युग्म है तो ट्विन प्राइम कहते हैं उन्हें, उसके बाद भाज्य संख्याएं हैं तो उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में भी बताया गया है कि किस तरीके से क्या चीज़ है। बात करूँ इस बुक के जो इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और जैसे मैंने अभी अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जो इस बार का 8 नवंबर का पेपर था वो पूरा पाथफाइंडर बेस्ड था, तो ये पाथफाइंडर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो ये इस तरीके से इसके जो दे रखा है ये इसका चैप्टर एनालिसिस दे रखा है। उसके बाद ये देखिए इसमें ये तो आपको एक्सरसाइज दे रखे, देखिए अभ्यास प्रश्नावली ये तो आपको अलग से दे रखी है, लेकिन जो इसका प्लस पॉइंट है वो है विगत वर्षों के प्रश्न, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अनुमान लगा के इनको इस तरीके से करके जाएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो इसका एक तरीके से चैप्टर एनालिसिस है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए ये सब चीज़ इसमें अवेलेबल है और प्लस इसमें आपको सॉल्व आंसर्स भी मिल जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद ये आ गया आपका इंग्लिश का सेक्शन कि इसमें स्पॉटिंग एरर है, इंग्लिश तो जो है वो सेम ही है इंग्लिश वाले वर्जन की तरह। अब देखिए मैं आपको ले जाता हूँ इसमें, ये देखिए भौतिक विज्ञान में, अब ये देखिए भौतिक विज्ञान बताता हूँ आपको भौतिक विज्ञान में क्या क्या अवेलेबल है। ये देखिए सामान्य विज्ञान आया, इसे साइंस कहते हैं इंग्लिश में, और ये देखिए आपको ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है, ये है ट्रेंड एनालिसिस 2016 से 14 से 16 का कि इसमें भौतिक विज्ञान से किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं और उस तरीके से आपको समझने में आसानी होगी। तो ये है जैसे अभी आपको मैं बता दूँ भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है कि मापन गति कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये देखिए इसमें आपको बता रखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मात्रक क्या होता है, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक यानी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या क्या होती हैं, उसके बाद SI सिस्टम क्या होता है, ये देखिए SI सिस्टम क्या होता है, और इसमें आपको एकदम ग्राफ वाइज भी समझाया गया, ये देखिए सारे डायग्राम्स इसमें अवेलेबल हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी इसको, और इसकी जो लैंग्वेज है ओवरऑल वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप ईजिली इसे मतलब ग्रेस्प कर सकते हैं, इजीली इसे ग्रहण कर सकते हैं और आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये था CDS पाथफाइंडर का हिंदी में बुक रिव्यू, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस बुक रिव्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और पाथफाइंडर को ख़रीदें या नहीं, क्या ये आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती है या नहीं, इस बात को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस बुक रिव्यू से। और अगर आप लोगों को ये बुक रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद आई और मैं क्या क्या नया चीज़ कर सकता हूँ इस बुक रिव्यू और बुक रिव्यू आने वाले आगे उनको अच्छा बनाने में। तो आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आपको बुक रिव्यू थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।